होनी चाहिए। 10 सितंबर 2020 को वेस्ट बंगाल में भी 3 लोग अरेस्ट हुए थे गैंगरेप के लिए, 2 ट्राइबल लड़कियों के। मतलब ये बात तो मुझे नहीं लगता किसी मीडिया ने उठाई होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हुआ था तो NDTV भी चुप रहेगा, इंडिया टुडे भी चुप रहेगा, आज तक भी चुप रहेगा, सबको चुप रहना पड़ेगा भाई। आप उस मानसिकता को सपोर्ट करते हैं, उसको अगर आप खोद खोद के पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, क्वेश्चनेबल कर देंगे, तो हो सकता है आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, हो सकता है आपको भी भक्त संगी भाजपाई कहने लग जाया जाए। छत्तीसगढ़ में 3 जुवेनाइल गैंग रेप ट्राइबल गर्ल आफ्टर आर्गूमेंट, सिर्फ आर्गूमेंट के बाद 3 लोगों ने ट्राइबल गर्ल का रेप किया। विलेज हेड अपोजिस पुलिस इंटरवेंशन। बताओ, विलेज के हेड मुखिया को इससे भी आपत्ति है कि पुलिस का इंटरवेंशन हो या ना हो। 17 से 16 साल के बीच के लोग हैं, सिर्फ आर्गुमेंट के बाद। मैं तो वही सोच रहा हूँ, ये कैसी मानसिकता होते, मैं यहाँ सरकारों को, मेरा पर्टिकुलर टारगेट वही है कि समाज जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा, समाज जब तक सरकारों से मांग करना छोड़ दीजिए कि कानून लाओ कानून लाओ, कानून से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मांग ये किया करिए कि पब्लिक हैंगिंग हो, पब्लिक में ले जाके उनके ऊपर शहद डाल के मधुमक्खी छोड़ दो, चूहों से कटवा दो, जिस मतलब जितनी ब्रूटल किलिंग, जस्टिस नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे लोगों के साथ आप जुडिशियल प्रोसेस से जस्टिस की मांग कर नहीं सकते, क्योंकि कई साल लग जाएंगे। निर्भया का आपने देख लिया, आपको सिर्फ इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करनी पड़ेगी, तभी काम होगा, बहुत प्रेशर से मांग करनी पड़ेगी। एक और है, गैंगरेप इन शंग्रीला, 2 मोर अरेस्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के CMO की बात नहीं होगी, क्योंकि वो लोग पर्टिकुलर पार्टी से, पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से संबंध रखते हैं, तो हम नाम लेके उनको बदनाम क्यों करें, उनको थोड़ी हरवाना है चुनाव में। अब एंड में वो वीडियो जिसकी बात मैं कर रहा था, और आप ये समझ जाइए, अगर आपने अब तक मीडिया का रोल नहीं समझा है, उसकी दोगलाई नहीं समझ में आ रही, तो अब समझ जाइए। और हो सकता है इस वीडियो को आप 2 पार्ट में देख रहे हो, अगर बड़ी हो जाएगी तो मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन ये जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें लड़की जब पूछ रही है तो ये साहब क्या कह रहे हैं कि किसकी लाज चलाई जा रही है, सुन लीजिए। आप लोग चले जाओगे सर, मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा, मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए, जो बोल सकता है वो बोले। नहीं नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। आई डोंट नो। नहीं, बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े, बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या, आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना चाहिए। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है, मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल ड्यूटी आपकी? बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, नो, बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है, मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं, मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। खड़े क्या चल रहा है? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे। नहीं है, अथॉरिटी है यहाँ पे, मेरी ड्यूटी है, नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? दिमाग वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ, वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए, ये क्या अंदर है? नहीं नहीं, जल रही है बॉडी। या वन सेकेंड, हटिए एक सेकंड, हटिए एक मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए। घी में ये कह रहे हैं कि मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप इसी वीडियो में नोटिस करेंगे तो ये व्यक्ति 3-स्टार पुलिस अधिकारी है,
क्राइम ब्रांच का है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेसिफिकली ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन जवाब नहीं देना है। किसका हाथ है भैया आपके सर पे? आपकी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है या नेता के लिए है? आप जनता के सेवक हैं या फिर नेता के सेवक हैं? पहली बार मैं ब्रूटली कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस से एकदम नफरत जैसी हो रही है, शर्म आ रही है कि ये मेरे राज्य की पुलिस है और हमारी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए रहती है। कितने मतलब अब जब ये लोग गैंगस्टर को मार रहे थे तो मैं बहुत समर्थन में था, लेकिन इतनी छींचाले दरी किसको बचाना चाहते हैं मुझे ही बता दो। और जो योगी जी पे इल्ज़ाम लग रहा है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आपके ऊपर ठाकुरवाद का इल्ज़ाम सीधा सीधा लग रहा है और बहुत बड़ी जनता में एक वर्ग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब आप समझ जाइए कि आप किसका पक्ष ले रहे हैं, क्यों पक्ष ले रहे हैं, क्यों सेलेक्टिविज्म कर रहे हैं, क्यों किसी भी राह चलते किसी बलात्कारी को आप सिर्फ इसलिए बचा लेंगे, इसलिए एक्शन नहीं लेंगे कि वो ठाकुर है। माना आप ये कहेंगे कि अरेस्ट हो चुका है, प्रोसीडिंग्स होंगी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन जो लड़की की बॉडी इस तरीके से जलाएगी उसका क्या जवाब है? कोई जवाब मुझे दे दे। क्या किसी और लड़की की बॉडी जलाई गई, उस लड़की की बॉडी को छुपा दिया गया? ये इतनी जल्दीबाजी थी क्यों? आप हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं तो आपको नहीं पता है कि अंतिम संस्कार किस तरीके से होता है? पेट्रोल छिड़क के जलाया गया उसको? थोड़ा शर्म करिए प्लीज़, क्योंकि देख के लग रहा था कि सिर्फ मनमानी कर रही पुलिस, ज़रूरत से ज़्यादा पावर मिल गई पुलिस को, और जनता के लिए जब पुलिस होती है तो कैसे काम करती है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा जनता के लिए नहीं पुलिस है, जनता के खिलाफ है और जनता पे रूल करने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। अभी के लिए इतना ही, बाकी कुछ पता चलेगा तो फिर आऊँगा मैं वीडियो के साथ। जनता अगर मुझसे एग्री करती है तो वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।